अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ये आज हम कीमे का सालन बना रहे हैं। ये कीमा फ्रोजन है, इसको हमने मेल किया है। ये बीफ का कीमा है, हाफ के जी है। तो अभी हम इसको साफ करके तो हम इसको कुक के लिए तैयार करते हैं। ये कीमा जो हमने चल्ली में निकाल लिया था, फ्रोजन जो बीफ था, ये हमने इसका पानी खुश कर लिया। ये हमने ये फ्रोजन मटर है, तो साथ हमने पोटैटो की कटिंग कर ली थी। तो ये लहसुन प्याज है, ये ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, ये टमाटो और जिंजर है, ये ज़ीरा, बड़ी इलायची और दालचीनी है, रेड पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। आइए हम अब कुकिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें कीमे को ऐड कर देंगे। कीमा ऐड हो गया। कीमा ऐड होने के बाद अब हम इसमें ना लहसुन और अदरक को ऐड कर देंगे। उसके साथ फ्राई करेंगे लहसुन और प्याज को ऐड करके, और साथ में इसमें हमने जो गरम मसाला है ना, हम इसको ऐड कर देंगे। देखिए, ये हमें इसमें गरम मसाला, लहसुन, प्याज और कीमे को ऐड करके तो अच्छी तरह से हमें इसको भूनना है। अब भूनने के बाद ना, ये देखिए, भूनने के बाद हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे। टमाटो ऐड करने के बाद इसमें हमने वो जो हल्दी पाउडर, नमक और ये रेड चिली निकाली थी, अब हम इसको ऐड करेंगे। तो अब हम इसको ना कवर करते ना, तो हम इसको आपको खाने देंगे तकरीबन 15 मिनट। हमने इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं ऐड किया, तो ये प्याज का अपना पानी है, तो उसी में ये कुक हो रहा है। अभी हम इसको मज़ीद और कुक होने देंगे। ये देखिए, ये बगैर पानी के हमने कीमे को घुला ली है। अब हम बस इसको भूनते हैं, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा रस भून लें इसको। तो हमारा कीमा भून चुका है। अब हम इसमें आलू मटर को ऐड करेंगे। ये हमने इसमें आलू मटर को ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद ये अच्छी तरह से हम इसको भून लेते हैं। सालन हमारा भून गया, तब हम एक गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो हम इसको कुक होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। क्योंकि यहाँ के आलू जो होते हैं ना, ये बड़ी जल्दी कुक हो जाते हैं, तो बस 5 मिनट बाद इसे हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, तो वो फिर बाकी दम में खुद ही पक जाएंगे। ये हमारा सालन तैयार। ये देखिए, हमारा सालन रेडी हो चुका है। हम इसमें गर्म मसाला ऐड करेंगे, तो बस अब हम साथ रोटी बनाएंगे और इंजॉय करेंगे।